सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलपीपी का ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। एलपीपी का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ऊपर में आई बटन आ रहा है उसको प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं एलपीपी क्या होता है, उसका फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन क्या होता है एलपीपी का, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, उन सब बातों पर डिस्कस किया हूं। आज हम लोग इस वीडियो में उस एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स सेट क्या है, एलपीपी में इसकी जरूरत है। ये सेट इज ए कॉन्वेक्स सेट इफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन इट लाइज इन इट। कोई भी सेट है, मान लीजिए एक सेट है, ये इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है उसका एक सेट मान लिया ये, तो ये जो सेट है इसको कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। कब कहेंगे? इफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन इट लाइज इन इट। इसके किसी भी दो पॉइंट को ले लीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए और एक यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं। इस सेट के अंदर कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिए और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट आ रहा है, ये लाइन सेगमेंट ए बी में जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट इसी सेट के अंदर होना चाहिए। अगर इसी सेट के अंदर आ रहा है, आप देख रहे हैं इस लाइन सेगमेंट पर जितना भी पॉइंट है सब इसी सेट के अंदर है, तो ऐसे सेट को हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स सेट। ध्यान दीजिएगा, ये जो दो पॉइंट ए और बी ले रहे हैं वो कहीं पर भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं और इसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का प्रत्येक पॉइंट तो इसके अंदर है, लेकिन अगर हम लोग ये पॉइंट नहीं ले, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं और इसको मिलाते हैं, इसको मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है ए बी, इस लाइन सेगमेंट का सारा पॉइंट इस सेट के अंदर नहीं है। कौन सा पॉइंट नहीं है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट जो है वो इस सेट के बाहर है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ये कॉन्वेक्स सेट, इसमें कहीं पर भी दो पॉइंट लेंगे और उसको मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट का सभी पॉइंट इसी के अंदर आएगा। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट को मिलाने के बाद तो आता है, लेकिन कुछ पॉइंट को मिलाने के बाद नहीं आता है, तो इसीलिए ये नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो अब कॉन्वेक्स सेट का क्या यहाँ पर जरूरत है, ये देखिए, मैं फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज ए कॉन्वेक्स सेट। फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट बनता है किसी भी एलपीपी का, सारा फिजिबल सॉल्यूशन का एक सेट बना दीजिए तो वो सेट जरूर एक कॉन्वेक्स सेट होता है। इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने में। तो ये याद रखिएगा कि फिजिबल सॉल्यूशन का एक सेट बनाएंगे, जितना भी फिजिबल सॉल्यूशन है उसको एक सेट में अगर डाल देते हैं तो वो जो सेट बनेगा वो एक कॉन्वेक्स सेट होगा। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। अब हम लोग को ये पता चला यहाँ से कि जो सॉल्यूशन आएगा वो एक कॉन्वेक्स सेट आएगा। मान लीजिए इस तरीके से कॉन्वेक्स सेट मिल गया, इस तरीके से कॉन्वेक्स सेट मिला तो सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन इसी के अंदर होगा। जितना भी सॉल्यूशन है फिजिबल सॉल्यूशन एलपीपी का वो सब इसी के अंदर होगा। अब एक सेकेंड चीज़ क्या है ये देखिए जरा, कि इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ये एलपीपी इफ इट एग्जिस्ट। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है जो एलपीपी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो अकर्स एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन का एक हम लोग सेट बना लेते हैं, ये एक कॉन्वेक्स सेट बनेगा, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन बन गया, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर मिल सकता है, या तो इस पॉइंट पर मिलेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इस पॉइंट पर, जो भी कॉर्नर पॉइंट है
वहीं ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ये बीच में जो पॉइंट है उस पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये फिजिबल सॉल्यूशन जरूर है लेकिन ऑप्टिमाइज करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, यही सब कॉर्नर पॉइंट ही। तो एक रूल है ये कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड से एलपीपी का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन देखने के पहले आप एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड के सॉल्यूशन को देखेंगे तो आसानी से वो समझ में आएगा। आप समझिए इस लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है। ये एक इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, कोऑर्डिनेट प्लेन पर आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से क्रॉस करेगा। आप एक्स एक्सिस का पॉइंट ढूंढिए जहाँ से ये क्रॉस करेगा। तो अगर एक्स की जगह जीरो लेते हैं तो वाई की जगह फाइव लेना पड़ेगा। तो जीरो फाइव एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से क्रॉस कर रहा है। और दूसरा अगर y के जगह 0 ले ले हम लोग तो x के जगह 5, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 और 0, आप स्कूल लेवल में आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी करते थे कि एक टेबल बना लेते थे और उसमें x और y लिखते थे, x के जगह 0 पुट करते थे, y का वैल्यू लिख जाते थे, या फिर y के जगह 0 पुट करते थे, x का वैल्यू लिख जाते थे। तो ये दो पॉइंट हो गया 0, 5 और 50। तो आप ये कोऑर्डिनेट प्लेन पर इसको प्लॉट कर दीजिए दोनों पॉइंट को। x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। तो ये पॉइंट सपोज कीजिए कि ये 0, 5 है और एक दूसरा पॉइंट 50। तो 50 यहाँ पर आया, मान लीजिए कि ये 50 है। और हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये जो इक्वेशन यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा जितने भी पॉइंट है। ये पॉइंट भी देखिए इसका सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है, ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। या बीच में मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 और 3 है, 2, 3, तो ये भी पॉइंट देखिए 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 2, 3 जो है वो इसी लाइन पर है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये इक्वेशन नहीं हो, सपोज कीजिए कि ये इन इक्वेशन हो, लेस देन इक्वल टू 5 हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन इस लाइन का तो पॉइंट होगा ही, और साथ में वो भी पॉइंट होगा जिसका x और y कोऑर्डिनेट का सम जो है वो 5 से छोटा हो। तो x और y कोऑर्डिनेट का सम 5 से छोटा हो वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो वो कैसे पता करेंगे कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है कि लाइन जो है ये दो पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड करता है। एक पार्ट ये साइड है और एक पार्ट ये साइड है। आप दोनों में से किसी भी पार्ट से एक पॉइंट चूज कीजिए और वो पॉइंट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। जैसे हम लोग इधर भी ले सकते हैं पॉइंट को या उधर भी ले सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लेना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, बड़ा आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है आप यहाँ पर पुट करके देखिए, एक्स के जगह 0 और वाई के जगह भी 0, ओरिजिन का 0 होता है कोऑर्डिनेट, क्या लेस देन इक्वल टू 5 होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका सम हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 5, 0 बिल्कुल 5 से छोटा है, लेस देन है। तो लेस देन है मतलब 0 यानी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लाइन के जिस तरफ ओरिजिन लाई कर रहा है उस तरफ के सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उस तरफ का सारा पॉइंट, ये जितना भी पॉइंट है, ये जितना भी पॉइंट होगा इधर, वो सारा जो है वो इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, आप ये मान लीजिए 4 है, 4, 0 भी ले लीजिए, देखिए 4, 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 + 0 4 आएगा, 5 से छोटा आएगा। या आप उससे पहले ले लीजिए 3, 0,
तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, ये 5 से छोटा होगा। लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट यानी इस साइड का कोई भी पॉइंट लेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए 0.60, तो 6 + 0 6 हो जाएगा, 6 5 से छोटा नहीं है या इक्वल नहीं है। तो इधर जितना भी पॉइंट होगा इस लाइन के इधर जितना भी पॉइंट होगा वो सभी सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि इस लाइन, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस पार्ट का जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस इनइक्वेशन में एक और चीज़ अगर लगा दें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x और y कोऑर्डिनेट हम लोग को दोनों पॉजिटिव ही रखना है, तो पॉजिटिव रखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है दोनों कोऑर्डिनेट, तो इस क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं होगा, इस क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं होगा। यानी जो भी पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट इस इन इक्वेशन को और साथ में ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो पोर्शन बता रहा है, ये पोर्शन में जितना भी पॉइंट होगा वो सब पॉइंट इस इन इक्वेशन के साथ में इस नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए अब LPP का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन देखते हैं, अब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम को देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड। मिनिमाइज जेड इक्वल टू 20x + 10y, सब्जेक्ट टू x + 2y < 40, 3x + y > 30, 4x + 3y > 60 एंड xy > 0। तो जरा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मिनिमाइज करना है जेड को, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, LPP का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और यहाँ जो आप तीन इनइक्वेशन देख रहे हैं इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, इसको कंस्टेंट्स कहते हैं और ये कहलाता है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। तो LPP का तीन पार्ट होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जिसको आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना रहेगा, और ये जो कुछ कंडीशन दिया हुआ है इसको कंस्टेंट कहेंगे, इन इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इन इक्वेशन, और जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस है इसको ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस कहेंगे। तो तीन पार्ट हुआ। अब जरा फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है ये देखिए, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, इस तीनों इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा उसको सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वो सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई करे तो वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। यानी फिजिबल सॉल्यूशन के लिए सारे इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी पॉइंट मिल जाता है उसको हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। और फिजिबल सॉल्यूशन जिस सेट में लाई करता है वो एक कॉन्वेक्स सेट होगा। और अब वैसा फिजिबल सॉल्यूशन जो इसको मिनिमाइज कर देगा उसको ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले कन्वर्टिंग इन इक्वेशन इनटू इक्वेशंस, वी गेट जो भी यहाँ कंस्टेंट में इन इक्वेशन है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले x + 2y = 40, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड 3x + y = 30, ये सेकेंड हो गया। और ये 4x + 3y = 60, ये नंबर थर्ड कर देते। अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये जो तीन लाइन है ये तीनों लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, अगर x के जगह हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो y के जगह क्या मिल जाएगा, x 0 बढ़ा दिए ये गायब हो जाएगा, 2y = 40, तो 2 डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू हो गया 20। यानी ये पास कहाँ से करेगा, 0 और 20 से। और अगर y के जगह 0 पुट कर दे इसमें तो y के जगह 0 पुट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, x का वैल्यू 40 मिल जाएगा। तो x = 40, यानी ये पास कहाँ से करेगा, x कोऑर्डिनेट 40 और y कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ लिखते हैं द लाइन 1 पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स जीरो 20 and 40 0। इसी तरीके से हम लोग लाइन 2 और 3 के बारे में भी लिख लेंगे कि लाइन 2 और 3 कहाँ से पास करें। तो देखिए दस लाइन 2 पासेज थ्रू 0.030 and 10 0। ये 0 अगर x के जगह 0 बैठा देते हैं तो x 0 हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो 0 30। और अगर y के जगह 0 बैठा देंगे तो ये गायब हो जाएगा,
तो 3 इधर डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू 10, तो 10 0। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को भी आप चेक कर सकते हैं कि ये पास करेगा 0, 20 और 15 0 से। तो सबसे पहले दो दो पॉइंट हम लोग लाइन का निकाल लेंगे कि वो दो पॉइंट कौन सा है जहां से वो पास कर रहा है। अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट को और लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको ग्राफ में ही बनाना है और ग्राफ में आप पेंसिल से ही बनाइएगा। तो कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ पर हम लोग को जो पॉइंट लेना है वो 10, 20, सब 10 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग 10 मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को 20, इसको 30, इसको 40, मैक्सिमम 40 तक यहाँ पर दिखाना है, तो 40 तक ले रहे हैं। ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40 हम लोग मान लेते हैं। अब फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 20 है, तो एक पॉइंट ये हो गया और उसके बाद फिर कौन सा पॉइंट है, 40 0। तो x कोऑर्डिनेट 40 और y कोऑर्डिनेट 0 है, ये पॉइंट हो गया। इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइन ड्रॉ हो गया। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट लाइन था। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 जो लाइन था उसको ड्रॉ किए हैं। अब हम लोग सेकेंड को ड्रॉ करते हैं, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 30, ये पॉइंट हो गया और उसके बाद है 10 0, ये पॉइंट हो गया। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, ये हम लोग ज्वाइन कर दिए। और ये कौन सा लाइन था, ये लाइन था 3x प्लस y इक्वल टू 30। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3x प्लस y इज इक्वल टू 30। अब थर्ड लाइन जो है वो 0, 20, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 20, यही पॉइंट है। और 15 0, तो 15 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, तो ये 15 हो गया। तो यहाँ से पास कर रहा है ये पॉइंट, ये लाइन। तो 0, 20 और 15 0 को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इस तरीके का कुछ फिगर बन रहा है। और ये कौन सा लाइन हो गया, लाइन को भी हम लोग लिख देते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, ये है 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो ये तीनों लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग इस लाइन को ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये लाइन नहीं बल्कि इन इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पॉइंट है, आप इसको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट को हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट इन इक्वेशन में, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 और ये वाई भी 0, आप यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, एक्स के जगह 0, वाई के जगह 0 पुट करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 40। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है चेक कीजिए। तो ये 0 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 40, ये राइट है, ट्रू है, 0 तो 40 से छोटा है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करता है। तो जिधर ओरिजिन है लाइन के उसी पार्ट को हम लोग को सेडेट करना है। ये लाइन था फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का ओरिजिन इधर है नीचे, तो इस लाइन के नीचे हम लोग को सेडेट करना है। अब इधर ही सॉल्यूशन होगा इसका। अब हम लोग सेकेंड इन इक्वेशन को देखते हैं कि सेकेंड इन इक्वेशन को ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। एक्स के जगह 0 बैठा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, वाई के जगह 0 बैठा दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये चेक कीजिए ट्रू है, 0 ग्रेटर देन 30 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, 0 कभी भी 30 से ना तो बड़ा होगा ना ही इक्वल होगा। तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ओरिजिन की तरफ इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये इन इक्वेशन देखिए, ये वाला है, तो ये जो है ओरिजिन की तरफ इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया। तो किधर होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, इधर होगा, उस साइड होगा, इस साइड ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड इन इक्वेशन को देखिए कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है, एक्स के जगह 0 और वाई के जगह 0 बैठा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये 0 आ रहा है, 0 60 से कभी बड़ा नहीं होगा। तो ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ओरिजिन की तरफ इसका भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो लाइन है, ये वाला है, और ये लाइन का ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इधर होगा। अब हम लोग को कॉमन पोर्शन देखना है। साथ में एक और चीज़ है,
कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है यानी जो भी सॉल्यूशन होगा वह सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन देखिए जो तीनों को सेटिस्फाई करता है, तीनों इन इक्वेशन को। तो इस लाइन के नीचे रखना है, इस लाइन के इधर रखना है, इस लाइन के इधर रखना है। यहाँ पर पॉइंट नहीं रख सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ नहीं होगा, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन। क्यों नहीं होगा कॉमन सॉल्यूशन? क्योंकि इस लाइन के ऊपर रखना है, तो इधर हम लोग नीचे नहीं दे सकते हैं पॉइंट। तो देखिए ये जो पोर्शन है, आप शेडेड मैं कर रहा हूँ, तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन तीनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं तीनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन के नीचे भी है, इस लाइन के ऊपर भी है, इधर देखिए, और इस लाइन के ऊपर भी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, ये जो रीजन आ रहा है, यही फिजिबल रीजन होगा। अब फिजिबल रीजन आप देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स सेट है, तो ये कॉन्वेक्स सेट का जो कॉर्नर पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट को मैं ए वन नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट को ए टू नाम दे रहा हूँ, तो ये पी क्यू ए वन ए टू जो पॉइंट है, यही पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यही सब पॉइंट मिनिमाइज करेगा। तो ए वन का तो कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 20, 0 हो गया, और ए टू का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 40, 0 हो गया। अब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट? देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है पी। तो हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, आप लोग लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। तो ये जो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 40 है, और ये जो लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग P पॉइंट का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो ये लाइन है, ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, यानी कि 1 और 2 दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसका कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 1 इक्वल टू 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 120, और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3x कैंसिल, 6y में y सब्ट्रैक्ट करते हैं 5y, और इधर 90, 5 डिवाइड कर देते हैं y इक्वल टू 18, तो y निकल गया। फर्स्ट से x निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू क्या होगा वो उधर ले जाएंगे, 40 − 2y, और y का वैल्यू 18 है, तो 18 × 36, 40 में 36 सब्ट्रैक्ट किए 4। तो ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकालनी है, ये x कोऑर्डिनेट 4 आया और y कोऑर्डिनेट 18 आया। इसी तरीके से आप फिगर में देखिए कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू 6, 12। तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया 4 और 18, अब Q का कोऑर्डिनेट निकल गया 6 और 12। तो यही जो चार पॉइंट आ रहा है पी क्यू ए वन ए टू, इसी पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल करके चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर मिनिमाइज करता है। तो देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर ए वन, ये जो कॉर्नर पॉइंट था ए वन ए टू पी और क्यू, तो वही मैं लिख रहा हूँ, ए वन है, ए टू है, पी है एंड क्यू है। द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दिस पॉइंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन था LPP में z इक्वल टू 20x प्लस 10y, ये प्रत्येक पॉइंट पर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं एक टेबल बना करके। तो उसी टेबल में लिखते हैं, इधर कॉर्नर पॉइंट मैं लिखा हूँ और इधर वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू इतना। तो देखिए z का वैल्यू कितना आएगा, 20 × x के जगह है यहाँ पर 20, प्लस 10 × y के जगह है 0, तो ये आ रहा है 400। इसी तरीके से z का वैल्यू x के जगह 40 पुट करेंगे, तो 20 × 40 प्लस 10 × 0, तो ये आ रहा है 800। और यहाँ पर पुट करते हैं z इक्वल टू 20 × x के जगह 4 और 10 × y के जगह 18, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 180 यानी कि 0, 8 + 8 = 16, 260 आ रहा है। और यहाँ पर z का वैल्यू आएगा 20 × 6 प्लस 10 × 12, तो ये हो गया 120 प्लस 120 यानी कि 240।
तो इसको देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि सारे वैल्यू को देखिए 400, 800, 260, 240, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 240 है। तो क्लियरली मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 240 एट पॉइंट, और कि किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट Q612 पर। तो देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एलपीपी इज x इक्वल टू 6, x कोऑर्डिनेट वैल्यू 6 निकल गया और y का वैल्यू निकल गया 12, तो 6 और 12 पर ही एलपीपी को ये मिनिमाइज करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करेगा। तो यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल गया, 6 और x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 12। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ग्राफिकल तरीके से एलपीपी को सॉल्व करते हैं। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के मैथमेटिक्स का वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। और अगर एक सबसे बड़ी चीज़ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, इस वीडियो को देख सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।